हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, निखिल सिद्धार्था एंड अनुपमा, जी हाँ दोस्तों, इस दोनों की जोड़ी ना कार्तिक या टू में ना जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से ये जोड़ी धमाल करने आ रही है 23 दिसंबर को, और उसका ट्रेलर आ गया है दोस्तों, जिसका टाइटल है दोस्तों 18 पेजेस। जी हाँ दोस्तों, 18 पेजेस। दोस्तों, मैंने अभी जस्ट इस मूवी का ट्रेलर देखा, सिद्धार्थ और अनुपमा। दोस्तों, ट्रेलर से तो एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, इस मूवी में ना इमोशनल है, एक्शन है, लव है। जी हाँ दोस्तों, तीन तीन चीज़ मिलेगा देखने को। ट्रेलर काफ़ी अच्छा कट किया है। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होती है, पहले तो लव का एंगल दिखाता है, किस तरीके से वो फ़ोन में, आजकल के जो यूथ है ना, हम जैसे जो नौजवान, मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं ज़्यादा फ़ोन में नहीं लगा रहता, बाकी के जो आजकल यूथ हैं, जोक से पर दोस्तों, जो कि आजकल मोबाइल का ही ज़माना है, मोबाइल से ही लोग चैटिंग वगैरह, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह सब व्हाट्सअप पे ही काम हो जाता है, सोशल मीडिया पे ही काम हो जाती है। अभी मिलने जुलने का भी कोई ज़्यादा लोग मिलते उलते नहीं है, सब फ़ोन से ही काम हो रहा है। दोस्तों, पहले लव का एंगल बताता है, उसके बाद जो एक्शन सीन्स आते हैं यार, काफ़ी अच्छे हैं, इमोशनल भी अच्छी है, बोल सकते हैं एक बेहतरीन लव स्टोरी है, जहाँ पे आपको सिर्फ लव देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको एक इमोशनल भी देखने को मिलेगा और एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, 18 पेजेस जो कि सिर्फ तेलुगु में रिलीज होने जा रही है दोस्तों 23 दिसंबर को, और आपको बता दूं कि तेलुगु में एक सेकेंड मूवी और रिलीज हो रही है, जिसका नाम है दोस्तों धमाका, रवि तेजा सर की। दोस्तों, खैर जो भी है दोस्तों, मेरे को जहाँ तक पता है कि ये जो 18 पेजेस है, एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी मूवी दिख रही है ये, और दिख क्या रही है, ये साबित होगी 23 दिसंबर को, जो कि तेलुगु ऑडियंस को पसंद आएगी। निखिल सिद्धार्था जो इस मूवी के हीरो हैं, उनसे तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता है यार, प्लीज़ इस मूवी को भी आप हिंदी में रिलीज़ करते तो और भी मज़ा आता, मगर मुझे पता है कि हिंदी में रिलीज़ करना बोले तो यार, आज ही इस वक्त क्रिसमस के वक्त बहुत रिस्की है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में जो कि रिलीज़ हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी धमाका भी हिंदी आ रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं रिस्की तो होता ही है। खैर जो भी है दोस्तों, बस तेलुगु में चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद हो सकता है, अगर वो बोलते ना सीतारामम जैसी हार्ट टचिंग लव स्टोरी निकली, तो आने वाले 2 वीक में हो जाएगा हिंदी। अरे सीतारामम किया ना भाई, हिंदी तो छोड़ो, उन्होंने पैन इंडिया कर दिया था, उस तरीके से ये भी हो जाए दोस्तों। खैर जो भी है दोस्तों, ट्रेलर काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ गया। अगर ट्रेलर की रेटिंग की बात करें तो इस ट्रेलर को दूंगा दोस्तों मैं 4.5 स्टार। बाकी देखते हैं, इस मूवी को देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश ही बोल सकता हूं, कंफर्म नहीं बोल सकता कि देखूंगा, क्योंकि 23 दिसंबर को आपको पता है कि ढेर सारी फिल्में आ रही हैं जो कि अपन देखना चाहते हैं, लेकिन देखूंगा ज़रूर टाइम निकाल के। तो बस भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, वो घंटा है वो भी दबाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।